मूवीज हो या सीरीज, इनमें सेक्स हमेशा एक ऐसा टॉपिक रहता है जिस पर बात की तो जाती है पर कभी भी खुलकर बात नहीं की जाती। इस टॉपिक को खोलकर एक्सपेंड होते हुए सब देखना चाहते हैं पर उन रेफरेंसेज को डीपली समझना कोई नहीं चाहता। सेक्स क्या है हर कोई जानता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड गणित नहीं है। सेक्स एक फिजिकल नीड है जो हर इंसान को होती है। हर एक मूवी के मेकर्स चाहते हैं कि जहां भी मौका मिले वो लोगों को बताएं कि इसके मायने क्या होते हैं, पर वो कर नहीं पाते। इसे हमेशा या तो दो लोगों के बीच के प्यार को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एक दूसरे की हवस बुझाने के लिए, या फिर मैच्योर ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मूवीज में इसे दिखाने के कुछ फायदे तो हैं और वहीं कुछ नुकसान भी हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं सब डीप मैसेज के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स इन सिनेमा। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन भी तो हो जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज मूवीज ज्ञान, तो फिर चलो खेलते हैं। अब देखो, अगर मूवीज में सेक्स को दिखाने के फायदों की बात की जाए तो सबसे पहले देखने में मजा आता है, और ये बात तुमसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है। बट नुकसान भी तो होते हैं। फैमिली के साथ उन मूवीज को आप नहीं देख सकते जिनमें ये सब होता है, और कभी कभी तो पब्लिकली देखने में भी अपने आप पर सवाल उठने लगते हैं कि कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। मुझे आज भी याद है जब डेडपूल 1 मैंने पब्लिक थिएटर में देखी थी, और प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब वहाँ बच्चे मौजूद थे। तो मानोगे नहीं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्टार्टिंग के 15 मिनट देखने के बाद ही निकल गए थे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मूवीज में सेक्स को दिखाना हर बार जरूरी होता है। ज्यादातर लोग मूवीज में सेक्स को एक सेलिंग पॉइंट की तरह देखते हैं, वरना किसी रूल बुक में नहीं लिखा कि मूवीज में आइटम सॉन्ग्स होना जरूरी है। इनको मूवीज में मोस्टली इसीलिए डाला जाता है कि इसी बहाने ही सही बट पब्लिक मूवी देखने आए। क्योंकि अगर आइटम सॉन्ग्स की डेफिनेशन देखी जाए तो आइटम सॉन्ग या आइटम नंबर बेसिकली मूवी का वो पार्ट होता है जिसका मूवी के स्टोरी और प्लॉट से कोई लेना देना नहीं होता। वो ओनली इंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं, और मोस्टली इनमें फीमेल्स को डाला जाता है ताकि सीन को ज्यादा सेड्यूसिव, ल्यूरिंग और आई कैची बनाया जा सके। तुम हेरा फेरी जैसी मूवी को ये देखोगे तो तुम्हें वहां भी आइटम सॉन्ग्स देखने को मिल जाएगा। पर ये प्यार की चटनी चटा दे पिया, कौन कहता है इस गाने का कोई सही मतलब निकल सकता है। पर ये तो एक बहुत अंडररेटेड आइटम सॉन्ग की बात हुई। तुम कोई भी बॉलीवुड की मूवी उठा के देख लो, तुम्हें हर 10 में से 8 मूवीज में आइटम सॉन्ग्स देखने मिलेंगे। एग्जांपल के लिए तुम थैंक गॉड, पठान या लेटेस्ट रिलीज तू झूठी मैं मक्कार कोई ले सकते हो। और फिर यही सॉन्ग्स हमें अट्रैक्ट करते हैं नोरा, दिशा और जैकलिन जैसी एक्ट्रेसेज की तरफ, और फिर हमारे माइंड में उनकी एक इमेज सेट हो जाती है। और एट लास्ट जब हमें पता चलता है कि वो फिर से किसी मूवी में अपीयर होने वाली हैं, तो हमारे अंदर की हवस हमें फिर से मजबूर करती है वही नज़ारे बड़ी स्क्रीन पर फिर से देखने के लिए। और बात हमेशा देखने या दिखाने की नहीं होती, कभी कभी तो गाने भी ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप उन्हें फैमिली के साथ सुन तक नहीं सकते। क्योंकि तुमने आजकल के कितने ही पेरेंट्स को ये कहते सुना होगा कि आजकल के गानों को ना जाने क्या हो गया है यार, स्पीकर पे सुन तक नहीं सकते, इनमें उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। अगर अगली बार तुम किसी को कहते सुनो तो कह देना कि ये सब शुरू से ही चलता आ रहा है। मेरा नाम चिंग चिंग चू से लेकर मेरा दिल प्यार का दीवाना, मुझे 9 लक्खा मंगा दे रे पिया, महबूबा महबूबा खलनायक है तू, मुझको राणा माफ करना, ये गाने आज के नहीं है। और बात हमेशा आइटम सॉन्ग्स की नहीं होती, मूवी में न्यूडिटी, छोटे कपड़े पहनना या दो लवर्स के बीच की पूरी कन्वर्सेशन सुनाना हर बार जरूरी नहीं होता। खैर होता भी है तो वो आगे बात करेंगे, बट तुम सीधे हिसाब से देखो तो ये जरूरी नहीं होता। पर फिर भी मूवीज में ये चीजें डाली जाती हैं ताकि ऑडियंस किसी भी तरह थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी मूवी फैमिली में चलाई जाए, और फिर इसी सब के चलते नाम देखकर चेंज कर दी जाए, फिर पेरेंट्स अलग से और तुम जैसे ठरकी अलग से मूवी को बार बार चला के देखें और उसकी रिवॉचेबिलिटी बढ़े। एग्जाम्पल के लिए तुम लियोनार्डो डिकैप्रियो की दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हो, बिल्कुल नहीं। पर जब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होता है तो तुम उसे अगेन स्टार्ट करोगे, देखोगे, फिर अपने दोस्तों को भी बोलोगे कि भाई सीन है उसमें। अब बताओ, इससे मूवी के मेकर्स को फायदा हुआ या नहीं, इससे उसकी रिवॉचेबिलिटी बढ़ी या नहीं? वरना किसी को भी नौमी इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। खैर, अब कुछ लोग नीचे बोलेंगे कि भाई वो लियोनार्डो डिकैप्रियो है, तो भाई मानता हूँ कि वो लियोनार्डो डिकैप्रियो है, पर वो भी तो मार्गरेट रॉबी है यार। और कोई कितना भी कह ले, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि इतनी आसानी से कुछ भी हो सकता है। तुम किसी से थोड़ा सा फ्लर्ट करो, उसके घर उसे छोड़ने जाओ, कॉफी पीने आने के लिए उसके बुलाने का इंतजार करो, वो अंदर जाएगी, खुद कपड़े उतार के तुम्हारे पास आएगी। खैर, वो बात अलग है कि वो वीडियो क्लिप मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम मेरी भावना को समझ गए होंगे, मेरी वीडियोस देखते हो तो इतने सीधे नहीं हो तुम। खैर, इस टॉपिक पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, पर ना तो वो तुम सुनना चाहोगे और तुम्हारा एक्चुअल मजा भी खराब हो जाएगा। इसीलिए अब टॉपिक पर फिर से चलते हैं कि सिनेमा में सेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इसे सबसे अच्छी तरह कहां दिखाया गया है। तुम कितने ही मूवीज देख सकते हो जिनमें ये होता है, बाहर की तो हर दूसरी मूवी में तुम्हें ये सब देखने मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए भाई अपनी 300, द हॉटस्पॉट, बॉडी डबल, ओल्ड बॉय, बॉडी हीट, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड एट द एंड अपना गेम ऑफ थ्रोन्स। बट इन माय ओपिनियन, इन सबसे ज्यादा डीप मैसेज अबाउट सेक्स अगर किसी मूवी या सीरीज में दिया गया है तो वो है मार्वल की द पनिशर। इसके सीजन 1 में जब अपन सब देखते हैं कि कैसे लिबरमन अपनी वाइफ को 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ छोड़कर उसे जाना पड़ता है और उसकी फैमिली को लगता है कि वो मर चुका है,
यहाँ पर मिस सैरा का एग्जांपल हम लेंगे। उन्होंने भरी जवानी में अपने हस्बैंड को मरते हुए देखा और फिर एक आइडियल हाउसवाइफ की तरह, एक आइडियल मॉम की तरह जैसे तैसे अपने बच्चों को संभालती रही। नीड ऑफ सेक्स उसे भी थी, लेकिन उस वक्त उसने अपनी नीड से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को जरूरी समझा और अकेले ही अपने दोनों बच्चों को संभालती रही। उधर लीवरमन पनिसर को कहता भी है कि हिम मिस सेक्स वेरी मच। वो भी अपने घर में लगे कैमरों से अपनी फैमिली को देखता रहता था, लेकिन अपनी नीड से ज्यादा वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को जरूरी समझता है। और सीरीज की स्टार्टिंग में ही पनिसर लीवरमन को ढूंढते हुए सैरा के घर पहुंच जाता है। उसके बाद भी वो एक दो बार उसके घर जाता है क्योंकि उसे लगा कि शायद सैरा को मदद की जरूरत है और उसकी बेटी से उसकी कुछ दोस्ती भी हो जाती है। एक दोस्त होने के नाते वो उसके घर जाता है। उसके बाद जब लीवरमन से उसकी दोस्ती हो जाती है तो वो खुद उसे अपने घर भेजता रहता है। अब इतने हैंडसम लौंडे पनिसर को देखकर सैरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और काफी समय बाद वो उसे एक किस भी करती है। पर लीवरमन भी समझ रहा था कि उसे भी उस वक्त जरूरत है, इसीलिए ना तो वो अपनी वाइफ को ब्लेम करता है ना पनिसर को। फिनाले के बाद जब वो अपनी फैमिली के पास फाइनली जाता है और सैरा और लीवरमन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन इमोशंस को हम अंदर तक फील कर पाते हैं कि जब सैरा को लगा कि उस वक्त उसकी सेक्स की नीड से ज्यादा उसके बच्चों को उसके सपोर्ट की जरूरत है तो उसने अपने इमोशंस को दबाकर एक आइडियल वुमन होने का प्रूफ दिया। और उसे लगा कि शायद पनिसर जो उस वक्त पीठ बना हुआ था वो उसे समझ सकता है, वो उसका एक दोस्त बन सकता है और शायद अब उसे किसी न किसी के साथ अफेयर कर पड़ेगा। तो उसने पनिसर के साथ एक बार ट्राई भी किया, बट जब उसका हस्बैंड उसका प्यार उसके पास इतने वक्त बाद वापस आया तो उसे लगा कि वो अकेली नहीं है और उसने अपने इमोशंस को खुलकर बाहर आने दिया। उसने लीवरमन के साथ अंदर जाकर अपनी नीड को पूरा किया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सेक्स क्या है? सेक्स एक नीड है जो हर इंसान या लिविंग बीइंग को होती है, पर सेक्स को हमें अपनी जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। इस सीरीज का यह सीन हमें यही डीप मैसेज देने की कोशिश करता है और इस वीडियो का पर्पज भी यही है। पनिसर देखते वक्त बहुत लोगों ने तो इस मैसेज को नोटिस भी नहीं किया होगा क्योंकि मोस्टली जिस मूवी में सेक्स सीन दिखाया जाता है वहाँ मैसेज कम ही होते हैं और जहाँ सेक्स सीन दिखाने की बजाय फील कराया जाता है वहाँ कुछ मैसेज थोड़ी सी भी गौर करने पर हम निकाल सकते हैं। बट फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक पर मैं घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन उससे तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा और वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, इसीलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। देखो हो सकता है तुमने मुझसे ज्यादा मूवीज या सिनेमा देखा हो तो तुम नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट सीन किस मूवी से है और उसमें क्या डीप मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपके प्यारे मैसेज, मोटिवेशनल कमेंट्स और आपके सबसे जरूरी सजेशंस का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना हो या बात करनी हो तो आप इंस्टा या ट्विटर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। कभी फिर मन किया तो इसी टॉपिक को फिर से उठाएंगे। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ भी खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर मार देना इस चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो। सालों को पता तो चले कि उनकी हवस बुझाने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होते हैं ये सीन मूवीज में। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज, कीप वॉचिंग मूवीज ज्ञान। Far ahead and they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picked in other pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back.